और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर एक महिला अपना खेत जमीन बचाने के लिए कोर्ट कचहरी, थाना पुलिस और अफसरों के ऑफिस के चक्कर काट रही है, परंतु उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। महिला का कहना है कि जिस जमीन का उसने कमिश्नरी से स्टे ले रखा है, जिसकी 27/7 में पेशी लगी है, उसमें तहसीलदार के द्वारा आर्डर कर दिया गया है और विपक्षी जबरन अब उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उसे रोकने के लिए कोई थाना पुलिस साथ नहीं दे रहा है। इस संबंध में जहरतुल नाम की महिला का कहना है कि वो अपनी माँ के साथ रहती है और उसकी माँ की जो ज़मीन है, जो खेत है उसकी माँ का, उसके ही रिश्तेदार जबरन कब्जा कर रहे हैं और उस पर ट्रैक्टर दौड़ा रहे हैं, और जब वह उसे रोकने के लिए जाती है तो वो लोग फौजदारी मादा हो जाते हैं। मामला जनपद श्रावस्ती के गजफ्फरपुरवा हरदतगढ़ थाना से संबंधित है। इस मामले में जहरतुल ने बताया कि मेरी माँ किताबुन्निसा के नाम भूमि गाटा संख्या 167 व 164 है। इस गाटा संख्या की भूमि को लेकर के मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी इस भूमि पर विपक्षी फैयाज पुत्र मोहम्मद उमर व साहिद पुत्र आमिर खान द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक अलग भूमि जिसकी गाटा संख्या 2777 है, उस पर भी कुर्रा बंटवारा का मुकदमा चल रहा है, लेकिन कोर्ट कचहरी के कागजात को अनदेखा करके विपक्षी जबरन जब कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पुलिस एक पक्ष की बात सुनती है और मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है, मुझे थाने से भगा दिया जाता है। किताबुन्नसा की बेटी जहरतुन का कहना है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है और पुलिस मुझको ही परेशान कर रही है। इस भूमि पर मैं बरसों से खेती बाड़ी कर रही हूँ, जो मेरी माँ के नाम है। जहरतुन ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। जहरतुन का कहना है कि जिलाधिकारी श्रावस्ती और पुलिस अधीक्षक इस मामले में न्याय करें और पुलिस जो विपक्षियों की सुन रही है और मेरी बात को बिल्कुल ही सुना नहीं जा रहा है। इतने सालों से जो मैं मुकदमा लड़ रही हूँ, यहाँ से गोंडा कमिश्नरी से के चक्कर काट कर मैंने उस पर स्टे ऑर्डर करवाया, उस कागजात को यहाँ के जिले के लोग फर्जी बता रहे हैं। जहरतुन ने देवीपाटन मंडल कमिश्नर से भी न्याय की गुहार लगाई है। जहरतुन का कहना है कि वो उसकी माँ बहुत ही बूढ़ी है, बीमार है और उसकी माँ की ज़मीन पर उसके ही रिश्तेदारों के द्वारा कब्जा किया जाता है, जबरन उस पर बियाड़ बैठाया जा रहा है और जबरन उसके ऊपर ट्रैक्टर लगा करके जुताई करवाई जा रही है, और जब ये महिला थाना पुलिस जाती है तो इस महिला को उल्टे ही परेशान किया जाता है और इनका जो कागज़ है वो उठा करके फेंक दिया जाता है, इनका कागज़ कोई देखने को तैयार नहीं है। आइए हम इस संबंध में इस महिला से पूरी जानकारी लेते हैं। साहेब भाई, आज विपक्षी दबंग पार्टी है, पैसा वाली पार्टी है, पैसा दे देते हैं, हमारा कोई काम ना ही हुआ था, अब हमें मरी है पिटी है, जान से नहीं मारे, धमकी देते, हमारे बूढ़ महतारी है वहू का मारत हैं, हमहू का मारे गरियावत हैं और जान से मारे धमकी देते हैं। साहेब, हम कहाँ जी मदद मांगे, कोई नहीं है कमाए वाला, खेती कह के वही से खेती से दवा इलाज हमने के हमरे चलते, वही से खावा पिया जाता है, वही से खेती से मामला चलता है, और कोई नहीं है कमाए वाला, सिलाई करी था या भैंस रखे हैं, वही से गर्ज चलत है, वही से खाना पानी चला, 7.5 बीघा। अच्छा, सब पर कब्जा हो रहा है? हाँ, सब पर कब्जा हो रहा है। अच्छा, यहाँ जिलाधिकारी हैं, डीएम साहब से कुछ कहना है आपको? हाँ, सबसे कहना, सबसे निवेदन है कि सब कोई हमारे मामले के जांच करें, और हम गरीब महिला है, बूढ़ महतारी हमारे, हम कहाँ जाए, हमारी शादी नहीं हुई, अभी वाहित हन, हमारा भी हिस्सा लग गया है, उसमें भी कब्जा कर रहे हैं ज़बरदस्ती, उस पर भी कोई रोक टोक नहीं लगावत हैं, और हमहूँ का मना करते पुलिस वाले ने जो तो वो अभी विपक्षी अगर ज़बरदस्ती जोता था तो उसका मना करता ही नहीं है, जाए के आगे पीछे रुकवावा थे, फिर तुरंत वही काम चालू हो जाता है। यानी खाली आपको यहाँ वहाँ दौड़ाया जा रहा है? हाँ, हमका कहा था ये करो वो करो, बतावत है, एक एप्लीकेशन लिखा रहे, बहुत एप्लीकेशन लिखाई के दे दिया, 6 महीने से 7 महीने से एप्लीकेशन लिखा लिखा बहुत दिया है, तनि नहीं दिया है, अब कोई सुनवाई समस्या का समाधान कुछ नहीं, आपका स्टे ऑर्डर माना नहीं जा रहा है? हाँ, ना SDM कोर्ट का माना जा रहा है, ना वहाँ का माना जा रहा है, कहते हैं इसमें अग्रिम आदेश लिखा है, इसमें स्टे कहाँ लिखा है कि फला जगह से स्टे है, ये कहा तुम ही जो तो वो तुम्हारे तरफ से है, किताबुन्निसा के तरफ से क्या बताया कि इसमें दाखिल खारिज करवा लिया है? तहसीलदार आर्डर कई दिन है कमिश्नरी के खिलाफ, कमिश्नरी से स्टे है किताबुन्निसा के हमारे अम्मी के तरफ से, वो कहे पैर भी हम करी थे, मैं तहसीलदार आर्डर कई दिन है, उसके खिलाफ हम अपील किया है, न्यायपाल और तहसीलदार मिलकर सब पूरे तहसील में यही पूरा जितने कर्मचारी हैं सब यही काम करते हैं, यहाँ और महिलान का कोई सुनवाई नहीं, कोई गरीब है तो कोई बातें नहीं सुनी जाती। आपको इंसाफ नहीं मिला? हमको इंसाफ नहीं मिलता है, ये दरखास्त है थाने में जो दिन है, ये SDM साहब के वहाँ दिन है तो उन दरखास्त है, ये वहाँ से पढ़ोतरी आए 29/7 में पीएससी लगी है तो ना स्टे वाला कागज है कमिश्नरी के, और ये SDM साहब के आर्डर वाले में कुर्रक बंटवारा गए, यहू में भी जबरदस्ती हमारे पंती में लाइटरिंग व बोरिंग लगी है और फैयाज जबरदस्ती कब्जा करते हैं, अगर कहते जुतवा तो ट्रैक्टर वाले का मार डरब जान से तो मार डरब।
खड़ी खतौनी है। और एप्लीकेशन कहाँ है? और एप्लीकेशन तो बहुत हैं। कितने दिन से दौड़ रहे हैं? हम 6-7 महीना से दौड़े थे। मुख्यमंत्री के यहाँ ऑनलाइन कीन, कमिश्नरी के यहाँ ऑनलाइन कीन है, ये जमीनी विवाद से एसपी साहब के यहाँ, राजस्व विभाग में हन, हर जगह ऑनलाइन कीन है। सबसे हमारा प्रार्थना है कि हमारे मदद की जाए, हमारे मामले के जाँच। माँ की हालत कैसी है? हमारे माँ की हालत तबीयत ना सही है, उनका दवाई इलाज चला था घर पर ही। आप अकेले दौड़ते हैं? हम अकेले। अच्छा, इतना कुछ आप कोर्ट कचहरी करने के बाद, न्यायालय में जाने के बाद, एक अकेली महिला होने के नाते इतना दौड़ रही हो, इसके बावजूद भी यहाँ कुछ आपकी सुनवाई नहीं चली? नहीं सुने हैं, कहा था कि चाहे जहाँ जाए, कागज हमारे पास में ही है, नहीं करे खमहीन का है, और रिपोर्ट अपनी मर्जी से लगा देते हैं। हमका जानकारी नहीं थी कि पहले भी ऑनलाइन किया मुख्यमंत्री के पास में, तब वो जान माल के खतरा रहा हमका, तब मारिन पीटिन है, और जनवेश मार डारे हुई थी, तब जाके एक आदमी गाँव के नहीं और गाँव के आदमी दौड़ के तब बचाइन न हमका, फिर वही हाल है, जबरदस्ती कब्जा करते हैं। अच्छा, जो स्टे आपने लिया उसमें आपने बढ़ोतरी करवाई, कितना तारीख लगा आपका? 29/7 में पेशी है। हाँ, 29/7 में पेशी, 24/6 से 29/7 में पेशी है गई है। वो सब कहते झूठ है, स्टे के मतलब क्या होता है? कौन कह रहा था? थाने वाले जैसे है तैसे जान से मारे धमके जैसे खेतकदार है जब तो दिए थे, तो खेत बैठेबे ना तो हम खेबे कहाँ से, ये पक्षी जबरदस्ती कब्जा करते हैं हमका, कार्य वो ही जो तय नहीं देते हैं। दिखा रही हैं जो स्टे आप ले जा रही, तो स्टे आपका नहीं कहीं माना जा रहा है? स्टे नहीं माना था। अच्छा, क्यों रो रही हैं आप, क्या कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत तो समस्या है, ये इस समय खेत बैठावे कती बैठे ना तो खेत खेबे का। तो क्या कुछ कोई मारपीट की धमकी वगैरह कोई दिया? जान से मारे धमकी देते, अगर कहते खेत में कब्जा करे जई हो, पहले से हम ही जो अतीत बैठे रहें अभी तक, अभी पक्षी कब्जा करत हैं, अगर हमका कहते जायदार है जई हो तो जान से मार डाल। थाने पर आप गई तो थाने पर क्या कहा गया? थाने पर एप्लीकेशन दे तो थाने वाले कहते कोई कोई का न मार डाली, कुछ ना हो जो अपने घरे बैठे हो, ऐसा समझा के भेज देते हैं। खेत में कौन मतलब नर्सरी वर्सरी लगा रहा है आपने बताया, कोई दिया हुआ? शाहिद लगवावत हैं, शाहिद की औरत एक साबरा बेगम ही, शाहिद के दूठरी औरत ही, और जमींदार हैं अमीर खान हैं, फैयाज हैं। विवाद क्या है जमीन का, जैसे कितना हिस्सा है आपका उसमें? उस जमीन में ही है, वो पूरा जमीन गाटा हमारे अम्मी के नाम से, किताबुल निसा के नाम से है, वो का बहलाए फुसलाए के फर्जी दवाई इलाज कराए बहाने ले गए, बैनामा करवा ली है, वही पर स्टे है कमिश्नरी से, उसी पर जब हमका जानकारी भवा तो उसका कंसिलेशन हम दीवानी में दायर करे हैं, और एसडीएम कोर्ट पर अपील करे हैं, ये सब का कोई कागज के मानते ही नहीं है। मतलब ये न्यायालय का कागज जो आप इतने दिन से दौड़ भाग कर रही हैं, इसका कोई सुनवाई ही नहीं? कोई सुनवाई नहीं, 6 महीना से दौड़ी थन, कोई सुनवाई नहीं है। आपके पिताजी? पिताजी हमारे खत्म है कि पिताजी नहीं है। अच्छा, आपके घर में आपके भाई वगैरह कोई है? कोई नहीं है, खाली माँ हमारे है। हाँ, हम तुम अकेले दौड़ रही हो? हाँ, हम अकेले महिला दौड़े थे।